नवगठित नगरपालिक निगम रिसाली में शनिवार को महापौर और सभापति ने पदभार ग्रहण किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महापौर शशि सिन्हा तथा सभापति केशव बंछोर को उनके कक्ष में पहुंचकर पदभार ग्रहण कराया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, भिलाई शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर, वरिष्ठ नेता जितेंद्र साहू, राजेंद्र साहू सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी उपस्थित। नगर पालिका निगम रिसाली भिलाई अंतर्गत हुए चुनाव के तहत बीते 40 वार्डों के पार्षदों ने शपथ बीते दिनों ग्रहण की। वही महापौर व सभापति चुनाव के पश्चात महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोर को घोषित किया गया था। वही नव निर्वाचित महापौर व सभापति के पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन शनिवार को किया गया। यहां राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत सम्मान परम्परा अनुसार किया गया। वह महापौर सभापति के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए राज्य के मुखिया ने शुभकामनाएं दी व विकास चहुमुखी होने की बातें कही। तो वही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया और कहा कि सदैव ही सबके हित का सोचने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिसाली को नगर निगम का दर्जा दिया, जो क्षेत्रवासियों के लिए सौगात है। तो वही प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं की देन ही बताया, जो दुर्ग जिले के 3 नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनी है। महापौर सभापति और पार्षद मन बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आग्रह आप सबसे हट के कि एक जिम्मेदारी नया आप सब मिले है। अक्सर मैं बात करता हूँ कि आदमी जीवन में एक बार अवसर मिलते ओकर सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं सबो पार्षद और महापौर और सभापति से निवेदन करूं कि आप मन अपन जिम्मेदारी मिली है ओकर सदुपयोग करना, जनता के खूब मन से सेवा करना, कोशिश करना कभी गलत काम ना हो सके, ये आग्रह आप सबसे है। कॉलेज भी आप दे और कॉलेज हमार चालू भी हो गए। ये बड़े बड़े काम मात्र कोरोना के बावजूद ये साल डेढ़ साल में हमन यहाँ संपादित करे हैं और मात्र माननीय मुख्यमंत्री जी के उदारता पूर्वक निर्णय और हमर मन के आग्रह निवेदन स्वीकार करे कारण ये सब संभव हो पाए। और सभापति जी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जहाँ तक रिसाली नगर निगम के निर्माण से लेके उसके कार्य और चुनाव के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक माननीय ताम्रध्वज साहू जी ने जानकारी दी है, बहुत ज़्यादा कोई बोलने की गुंजाइश है नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 साल का जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उन कार्यों पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, अपनी मुहर लगाई है और ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य के सभी नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ है। इस अवसर दायित्व व कार्य मुझे सौंपा गया है, मुझे निभाने की किसी तरह कमी नहीं होगी। नवगठित रिसाली नगर पालिका निगम के जनक माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और रिसाली निगम के तस्वीर को बेहतर संवारने की कल्पना कर नई शुरुआत करने वाले मार्गदर्शक माननीय श्री गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी इस मंच पर विराजमान हैं। उनके सामने कुछ कहना व मांग रखने का अवसर नहीं है, बस मेरी अपेक्षा है कि हमर रिसाली नवा रिसाली को गढ़ने और बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होना आवश्यक है। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी किसी को निराश नहीं किए हैं, फिर तो यह रिसाली निगम शिशु अवस्था में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी। और बने के उसी प्रकार से भाई केशव बंछोर जी जो प्रथम सभापति के रूप में अपन नाम अंकित करे, बोल बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए शालिनी यादव जी जिला पंचायत के अध्यक्ष, जवाहर वर्मा जी बनाए की कल्पना बड़विया ताम्रध्वज साहू के आओकर प्रस्ताव लहमन बिल्कुल इनकार नहीं कर सके ना, बल्कि वो में तेजी ला के ये अलग नगर निगम
बनाए 13 वार्ड, अब वो बढ़ के 40 वार्ड हो गए। नगर निगम के जब गठन करें तो उस समय भी कोरोना आ गए, कोरोना के चलते में सब निर्माण कार्य विकास कार्य अमल करना जेकर चर्चा आदरणीय तामरा ध्वज भैया करीस। अभी भी निर्वाचन आयोग चुनाव तिथि घोषित तो कर दिस, चुनाव भी हो गए, लेकिन अब शपथ ग्रहण में कोरोना माता कृपा फिर हो गया। बड़े शानदार आम सभा करते हैं, सबसे मिलते हैं, मिठाई बांटते हैं, फूलमाला आदान प्रदान होते, तो वो सब काम ला पिछले समय जब सालनी जिला पंचायत चुनाव जीते तब तक के ठीक रही से, लेकिन अध्यक्ष बनी तन कोरोना आ गया ना सालनी। एक मन के सम्मेलन साल भर बात करें वही समय खूब कोरोना है। भी इसी नगर निगम क्षेत्र के मतदाता हैं और आप लोगों ने मतदाता कैसे से मतदान किया, तो मतदाताओं को सबसे पहले धन्यवाद। तीनों नगर निगमों में हम लोग एक तरफा जीत हासिल किए और भारतीय जनता पार्टी को पराजय करना पड़ा। जहाँ तक भिलाई की बात है, लगातार उस नगर निगम ने तीसरी बार उसको कब्जा किए, जीत हासिल हुई भिलाई के मतदाताओं को विशेष धन्यवाद। आज रिसाली में यहाँ महापौर सभापति के प्रभार ग्रहण में हम सब उपस्थित हुए, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी और स्थानीय विधायक और गृहमंत्री रामचंद्र साहू जी। महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोर दोनों नए नगर निगम के पहले महापौर और सभापति है। रिसाली में राज्य के गृह मंत्री तामधर साहू के नेतृत्व में व महापौर व सभापति के मार्गदर्शन में क्षेत्र में निश्चित ही चहुमुखी विकास होंगे। बहरहाल पदभार ग्रहण समारोह में कोरोना की सभी गाइडलाइन का पालन किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।